आइए सुनेगा गाया किसी ने क्या, अरे मिलेंगे या फिर छुड़ेंगे हाय नाम क्या जाने, ऐसे यूपी 82 से 4 नंबर आगे नहीं आया क्या, सीधे लोग चले गए यहाँ से, अरे मिलेंगे या बिछुड़ेंगे हाय राम क्या जाने, मुफ्त में हो जाएंगे हम बदनाम क्या जाने। मैंने पहले ही कहा था कीर्तन होता है शाब्दिक आनंद, बिल्कुल शब्दों में आनंद आ जाएगा, गाना बजाना बड़ा प्रेम का होता है भाई साहब, और क्या गाना बजाना बड़ा प्रेम का होता है भाई साहब, भाई साहब प्रेम का होता है, चक्कर में चले गए लोग, पर्वत के पीछे बड़ा पुराना गीत था, पर्वत के पीछे शंबेदा गांव में दो प्रेमी रहते हैं, पर्वत के पीछे शंबेदा गांव में दो प्रेमी रहते हैं, देख जा ब्रज की धूम आया, बारमन रेत में रमन किया, कुछ पल मस्ती के छुमाया, द्वारकाधीश बांके बिहारी, द्वारकाधीश बांके बिहारी, ब्रज मंडल में मचा कर धूम आया, मुझे मिला नहीं मुरली वाला, मैं सारा वृंदावन घूमाया। एक मास है हमारे जैसे अखिलेश जी हैं, ऐसे एक मास है पहुंच गए वृंदावन में घूमने के लिए, अब कोशिश कर रहे हैं कैसे भी वाके बिहारी के दर्शन हो जाएं, चारों तरफ घूम रहे हैं, कभी प्रेम मंदिर जा रहे हैं, कभी स्कॉन मंदिर जा रहे हैं, कभी छठी ग्रह वैष्णो देवी मंदिर जा रहे हैं, और आजकल तो कभी कभी लोटस टेम्पल पहुंच जाते हैं देवीनंदन ठाकुर जी के मंदिर पर, अभी चंद्रोदय मंदिर बना रही वहां भी पहुंचने की कोशिश की इन्होंने, ये चारों तरफ घूम रहे हैं लेकिन दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, अब ये बोले कि आखिरकार दर्शन बांके बिहारी के कैसे हो, ठाकुर जी से कैसे मिला जाए। माँ बाप प्रिया परिवार त्याग, ढूंढा पर ढूंढ न पाया हूं, कोशिश की चारों तरफ, माँ बाप प्रिया परिवार त्याग, ढूंढा पर ढूंढ न पाया हूं, मुरली वाला मुझे मिल जाए, तुम्हारे पंडित जी महाराज जैसे एक संत थे, मुरली वाला मुझे मिल जाए, मैं संत शरण में आया हूं। अब जब मुरली वाले की तलाश में संत जी के पास पहुंच गए, कहते हैं ना जब किसी अच्छे मार्ग पर जाना है, अच्छा रास्ता हमें अपनाना है, तो या तो हमें एक अच्छे से गुरु की आवश्यकता पड़ती है, एक अच्छे संत की जरूरत होती है, और संत भी वो भी स्वामी विवेकानंद जैसा संत, ऐसे संतों की जरूरत होती है। अब जब उनसे पूछा कि प्रभु मुझे दर्शन कैसे होंगे, तो संत ने कहा है तू कैसा व्यक्ति है, तूने कहा था माँ बाप प्रिया परिवार त्याग, तूने पूरे परिवार को ही त्याग दिया, तू भक्त नहीं एक पापी है, तेरा कुल सन खिल नहीं सकता है, अरविंद भैया तू भक्त नहीं एक पापी है, तेरा कुल सन खिल नहीं सकता है, जो माँ बाप की सेवा कर न सके उसे कान्हा मिल नहीं सकता है, माँ बाप को ही छोड़ दिया कान्हा के चक्कर में, तुझे कान्हा जीवन में नहीं मिलेगा। अब रोने लग गया, जब रोने लग गया क्यों आंखों से जल बहा रहा, वो
अंदर बैठा है। क्यों आंखों से जल बहा रहा वो बना समंदर बैठा है। अरे तू जिसको बाहर ढूंढ रहा वो तेरे दिल के ही अंदर बैठा है। तब कहने लगे पंडित जी महाराज, हमारे संत जी कहने लगे, हमारे अखिलेश जी से क्या कह रहे हैं सुनिएगा। मंदिर के आगे पीछे कहने लगे, मंदिर के आगे पीछे कुल आवरणों में बड़े बड़े धनवान मिलते हैं। आप जाएंगे कभी दर्शन करने के लिए, तमाम आपको पैसे वाले लोग मिल जाएंगे। कभी लोग कोठी खरीद के डाल देते हैं, कभी बंगले खरीद लेते हैं। और क्या, अभी अभी फोन आया दो दिन पहले कि हमें तो आश्रम के लिए जमीन चाहिए। गुरुदेव कह रहे थे बेटा हाँ बिल्कुल दिलवाएंगे, हमने बोल दिया हमारी जमीन है वहाँ, हम दिलवाएंगे, वहाँ भी काम चल रहा है अपना प्रॉपर्टी का, वहाँ भी दिलवा देंगे का इंसान दे रहे हो। मंदिर के आगे पीछे कुल आवरणों में बड़े बड़े धनवान मिलते हैं। और पंडित जी महाराज, हाँ जी गुरु जी, गुरु जी भाई सुनो, इस खंडगीत को सुनो, पैसा दे दियो काई टेंशन ले रहे हो, खंडगीत है तो सुनो। मंदिर के आगे पीछे कुल आवरणों में बड़े बड़े धनवान मिलते हैं। संत ने कहा तू कहां ढूंढ रहा है रे यार, बड़े बड़े धनवान मिलते हैं। और बात अगर सही लग जाए तो आशीर्वाद चाहूंगा इस लाइन पर। कहा माता पिता के पावन चरणों में बैठे भगवान मिलते हैं, बैठे भगवान मिलते हैं, बैठे भगवान मिलते हैं। लेकिन बात सब कलयुग की आ जाती है, क्योंकि कलयुग बड़ा विचित्र है। सब जानते हैं कि माता पिता के चरणों में बैठे भगवान मिलते हैं, लेकिन दिल जब दुख जाए, खेती सब सूख जाए, बरसात मौसम के बाद किस काम की, अरे किस किस के जोड़े हाथ भक्त पहन दे में साथ, अपनों की झूठी इमदाद किस काम की। मीठी मीठी बात करे पीठ पीछे घात करे, देती ना सुनाई वो फरियाद किस काम की, अरे देती ना सुनाई वो फरियाद किस काम की। अरे माता पिता के जो आंसू न पहुंच सके आप ही बताओ वो औलाद किस काम की। आखिरकार वो औलाद ही किस काम की है जो माता पिता की आंखों के आंसू न पहुंच सके। तब कहना पड़ा मंदिर के आगे पीछे कुल आवरणों में बड़े बड़े धनवान मिलते हैं। माता पिता के पावन चरणों में बैठे भगवान मिलते हैं। अरे संत गुरु के भाव यही निष्काम मिल जाए, यही घन श्याम यही पर राम मिल जाए। माता पिता के चरणों में ही देखो वो चारों धाम मिल जाए। माता पिता के चरणों में ही चारों धाम मिल जाए। तब कहना पड़ा परमारथ पारथ के अंतःकरणों में, परमारथ पारथ के अंतःकरणों में बन के रथवान मिलते हैं। ऐसा कुछ होना चाहिए, आनंद तब आता है। आनंद ऐसे नहीं आता, पूर्णता के गीत गानों से आनंद नहीं आता, कुछ होना चाहिए देने के लिए। क्या है आपके पास? माता पिता के पावन चरणों